राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के आयोजन जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में बड़ जोर शोर ले करे जावत है, जेमा छत्तीसगढ़ के पांचों संभाग के खिलाड़ी छात्र छात्रा मन हिस्सा लेहे बर पहुंचे है। जे मन के रहे और खान पान के व्यवस्था जिला प्रशासन के देख रेख में होवत है। फिर ये आयोजन में भारी अव्यवस्था के आलम नजर आवत है। एक कति जी हाँ, लड़का मन के आवास व्यवस्था में न तो कोनो बैनर पोस्टर लगे है, न ही ओमन ला खेल मैदान तक लाए ले जाए के ही कोनो व्यवस्था है। हाई स्कूल मैदान में दो बस खड़े दिखी, जबकि लड़का मन पैदल आवत जावत दिखिन। बस संचालक ले बात करे में पता चली दूरिया आवास के लड़का मन ला बस ले लाना ले जाना है, ओकर बावजूद भी लड़का मन ला खराब सड़क में पैदल आए जाए ला पड़त है। बात करी लड़का मन के भोजन व्यवस्था के, तो शासन के निर्धारित मेनू के अनुसार न ही ओमन ला नाश्ता मिलत है, न ही खाना। शासन ले आए पैसा ला अंदरे अंदर पचाए के प्रयास चलत है। खिलाड़ी मन के चयन राज्य स्तरीय खेल में होए के पहली ओमन ला ब्लॉक और जिला स्तर खेल के आए ला पड़ते। फिर जांजगीर जिला में ये दोनों स्तर में खेल कब होगे और कौन आधार में राज्य स्तर पर खिलाड़ी मन के चयन हुई, एकर जानकारी जिला खेल अधिकारी प्रेमलाल पांडे के अलावा कोनो ला नहीं मालूम है। जब ये सब मामला में लेके प्रेमलाल पांडे सहित अन्य अधिकारी मन से बात करे के प्रयास करे गईस, तो कोनो भी कैमरा के आगू आए ले बचत नजर आईन। अब देखे वाला बात होही के जिला प्रशासन द्वारा ये मामला में जिम्मेदार अधिकारी मन ऊपर कोनो प्रकार के कार्रवाई करे जाही या फिर हमेशा कस नजरअंदाज कर दिए जाही।